बाहर 14 पद में एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर आप इसको विश्वास नहीं करते तो फिर आप क्या विश्वास करते हैं आप लोग? अगर हम इसको नहीं मानते तो हम किस मसीहत के लिए जी रहे हैं? हमारा यहां कोई स्थाई नगर नहीं है, हमारा अब यहां के लिए नहीं जी रहे। क्यों नहीं हम और आप इस बात को, क्यों हमको संसार ने इतना अंधा कर दिया? क्यों शैतान ने हमारी आंखें इतनी भ्रष्ट कर दी? हम यही अभी यही मरने के लिए जीने, अभी चाहिए हमको अभी। लेकिन अगर आप सच में दावा करते मसीह होने का, तो आपका जीवन यहां के लिए नहीं है। यीशु मसीह को थामे रहिए, उसके साथ दुख उठाइए, उसके साथ तकलीफ उठाइए, उसके साथ समस्याओं का सामना करिए, उसके साथ लज्जा का सामना करिए, लेकिन चलते रहिए उस अनंत राज के लिए। वो दिन जो आने वाला है प्रभु के साथ, उसके लिए जीने के लिए। यहाँ की मस्ती, यहाँ की मौज, यहाँ की इज्जत नहीं, ये नगर हमारा नहीं है। या तो ये बातें झूठ हैं और ये सब पाखंड है, और सबसे बड़ा पाखंडी मैं हूं, सबसे बड़ा ढोंगी मैं हूं, सच में मैं ढोंगी हूं। या तो ये सच है, अगर ये सच है तो मेरे भाइयों बहनों, क्यों अपना जीवन आप यहां की चीजों के लिए निवेश करेंगे? क्या मिलेगा आपको? क्या लेके जाएंगे हम और आप? यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का इज्जत, यहाँ का पैसा, यहाँ की रोटी, यहाँ के लिए जिएंगे हम और आप? सब हमसे कहते हैं यहाँ के जीने के लिए, सब लोग हमको बुला रहे हैं यहाँ के जीने के लिए। कौन हमको बुला रहा है वहां जाने के लिए? बताइए हमको, यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और है जो आपसे कहता है चलो वहां? या तो सब झूठ है, सब बकवास है, तो बंद कर दीजिए ये सब प्लीज। या तो प्रभु के वचन को गंभीरता लेके जीवन को बदलिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे विनती है, अनुने यीशु मसीह को थामे रहिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरा पाप अत्यंत भयंकर है, मेरा घमंड बहुत बड़ा है, मेरा स्वार्थ मुझ पर हावी है, मेरी वासना मुझे थामे हुए है, मेरा लालच मुझको पकड़े हुए है। आप ही मुझको बचा सकते हैं प्रभु जी, आप ही मुझको मुझसे बचा सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोगों को ना देखें, लोग आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन हम केवल यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह के लिए जिए, आने वाले नगर के लिए। हमारी सहायता करिए।